अमृत काल का भारत एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है, एक ऐसा देश जिससे ऊंचाइयां छूने से डर नहीं लगता, जो सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए उत्साहित है। आज का भारत तेज सोचता है, दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है, ठीक वैसे ही जैसे आकाश से उड़ान भरने वाला एक फाइटर पायलट करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत की रफ्तार चाहे जितनी तेज हो, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न हो, वो हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। उसे हमेशा ग्राउंड सिचुएशन की जानकारी रहती है। यही तो हमारे पायलट भी करते हैं। एयरो इंडिया की गगनभेदी गर्जना में भी भारत के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की गूंज है। आज भारत में जैसी निर्णायक सरकार है, जैसी स्थायी नीतियां हैं, नीतियों में जैसी साफ नीयत है, वो अभूतपूर्व है। हर इन्वेस्टर को भारत में बने इस सपोर्टिव माहौल का खूब लाभ उठाना चाहिए। आप भी देख रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में भारत में किए गए रिफॉर्म की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। हमने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और इंडियन इनोवेशन के अनुकूल माहौल बनाने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। भारत के डिफेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मंजूरी देने के नियमों को आसान बनाया गया है। अब कई सेक्टर में एफडीआई को ऑटोमेटिक रूट से मंजूरी मिली है। हमने उद्योगों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल बनाया है, उसकी वैलिडिटी बढ़ाई है, ताकि उन्हें एक ही प्रोसेस को बार बार न दोहराना पड़े। अभी 10-12 दिन पहले भारत का जो बजट आया है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को मिलने वाले टैक्स बेनिफिट को भी बढ़ाया गया है। इसका फायदा डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को भी होने वाला है। साथियों, जहां डिमांड भी हो, कैपेबिलिटी भी हो और एक्सपीरियंस भी हो, नेचुरल प्रिंसिपल कहता है कि वहां इंडस्ट्री दिनों दिन और आगे बढ़ेगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि भारत में डिफेंस सेक्टर को मजबूती देने का सिलसिला आगे और भी तेज गति से बढ़ेगा। हमें साथ मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ना है। मुझे विश्वास है आने वाले समय में हम एयरो इंडिया के और भी भव्य और शानदार आयोजन के गवाह बनेंगे।